नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बीएड के बाद एमएड के भी क्लासेस शुरू करूंगा, और मैंने क्लासेस शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन समय की कमी के कारण मैं क्लास आप सभी को नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मैं यह सोचा कि आप सभी को अगर किताबें बता दी जाएँ तो आप खुद से घर रह करके, या अगर कॉलेज आप रेगुलर क्लास करते हैं तो अति उत्तम है। तो आपका जो सिलेबस के अनुसार जो बुक्स हैं वह कौन कौन सी हैं उनको अगर हम बता देंगे तो आप अध्ययन करने में आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि बिना किताबों के परीक्षा देना तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। और किताब आज नहीं कल तो कल आपको लेना ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एमएड गाइड पढ़ के भी पास कर लेते हैं, लेकिन जब आगे आप नेट की परीक्षा या नेट जीआरएफ की तैयारी आप करेंगे यूजीसी नेट की, तब आपको किताबें लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक भर्ती तैयारी करेंगे तो भी किताबें आपको लेनी पड़ेंगी। तो ऐसा कार्य करिए कि बार बार किताबें लेने से अच्छा है कि एक ही बार ऑथेंटिक किताब लीजिए, जिससे कि आपको कई जगह लाभ मिल सके, यानी कि किताब एक लाभ अनेक। तो हम बात करेंगे, अगर जैसे सबसे पहले हम बात करें विद्यापीठ अपनी यूनिवर्सिटी की, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कि एमएड प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र होते हैं वो बहुत ही सशंकित रहते हैं कि कुछ मैटर नहीं मिल रहा है, ना सिलेबस सीरीज मिल रही है, ना गाइड मिल रही है, ठीक। अच्छा, गाइड मिलती भी है आपको तो मैं बता दूं कि जो गाइड मिलती है वो गाइड भी बहुत ही रद्दी है, क्योंकि जो गाइड मिलती है उसमें जो दिया गया है मटेरियल, उसकी जो विषय वस्तु है वह आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच नहीं करती है। इसलिए अगर आप उसको पढ़ते भी हैं तो अगर संभवतः दो या तीन टॉपिक आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मटेरियल जो है ख़राब, मटेरियल सही है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो नहीं है। वो मेरठ की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वह जो गाइड होती है उसमें सिलेबस सारा दिया हुआ होता है। तो आप सबसे पहले किताब खरीदने पर ध्यान दें, और किताब कौन कौन सी ले रही वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो साइकोलॉजी लर्निंग के लिए आप दो किताबें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप दो किताबों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं, ठीक। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप यशपी गुप्ता की किताब आती है, ठीक है, मनोविज्ञान की। मैं किताब भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किताब का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मैं आपको किताब बताने के लिए आया हूँ। तो ये मैं सोचिए कि मैं किसी भी जो किताब छापने वाला है उससे, जो प्रकाशन है उससे मेरा कोई भी मतलब है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किताब बताने के लिए आया हूँ। तो ये उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान है, और इसमें जो आपको कंटेंट मिलेंगे, देखिए ये एस पी गुप्ता किताबें हैं, और जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये जो आपको हाईलाइटर से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके एमएड के पूरे सिलेबस के अनुसार ये रंगा हुआ है, ठीक है। एमएड का आपका जो सिलेबस है वह पूरा इसमें आपको मिलेगा, तो आप इसको ले लीजिए, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस के अनुसार आप पढ़ सकें, ठीक। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये किताब जो है आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट और बाकी केवीएस, एनवीएस सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम देंगी। तो यह किताब आप ले लीजिए, और उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान एसपी गुप्ता लेखक का नाम है, ठीक। इसके बाद एक किताब है अरुण कुमार सिंह की, ठीक। अरुण कुमार सिंह की भी जो मनोविज्ञान किताब है वह भी द बेस्ट है, आप जानते भी होंगे अगर बीएड में आपने लिया हुआ तो। वह किताब भी आपके लिए द बेस्ट है। या एक किताब मैं और कहूँगा कि मालती सारस्वत की किताब है मनोविज्ञान की, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक। तो यह तो हो गया पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक आधार। शिक्षा के दार्शनिक आधार के लिए मैं एक किताब रेफर करूंगा आप सभी को, रमन बिहारी लाल के दर्शन की किताब, जो कि किताब ये है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत। ये किताब आप ले लीजिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, और इसमें आप भविष्य में बीएड के अध्यापक बनते हैं या किसी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो यह किताब आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये ऑथेंटिक किताब है, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि दर्शन का पेपर है, तो इसमें सारे दर्शन के मटेरियल दिए हुए हैं। इसमें भी हमने हाईलाइट कुछ किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए, ये है जो आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये सभी उसके सिलेबस के अनुसार से ही है, ठीक है। तो आप इसको ले लेंगे, आप फायदे में रहेंगे। और इसके बाद आपका आएगा यहाँ भी, हाँ इसमें कुछ मिल रहा है, ठीक। इधर शैक्षिक अवसरों की समानता है, इधर भी जो चीज़ें हैं ये सभी मैच कर रही हैं। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा पेपर, एजुकेशनल स्टडीज, शैक्षिक अध्ययन।
इसका कोई भी किताब नहीं है, ठीक। इसके नोट्स आपको खुद नेट पे सर्च करके या फिर क्लास करके जैसे भी आपको तैयार करने होंगे। और इसके बाद आता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र के लिए भी ये जो किताब है यह आपको दोहरा लाभ देगी, शिक्षा के दार्शनिक और शिक्षा के समाजशास्त्री यानी समाजशास्त्र के लिए भी ये किताब काम देगी, ठीक है। तो ये किताब ले लेंगे तो शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री दोनों आधार को आप समझ सकेंगे। और सबसे लास्ट में आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन पार्ट वन। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये बहुत ही मस्ट है, यदि अगर इसको आप ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो एमएड करते करते आपका नेट निकल जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष गवाहदार मैं खुद हूँ कि एमएड अपीयरिंग मेरा नेट हुआ है, एमएड के दूसरे सेमेस्टर में था तो ये मेरा नेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने किताबों को अच्छे से पढ़ा है, मैं गाइड लेकर के नहीं पढ़ा हूँ, मैं किताबों से पढ़ा हूँ और रेगुलर क्लास करते हुए मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, अच्छा बात करें किताब कौन सी लें, किससे पढ़ें, तो देखिए ये किताब है मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, ये किताब है और इसके लेखक हैं अरुण कुमार सिंह, ठीक है, इसके लेखक हैं। तो आप इस किताब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर एक और किताब आती है मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधि है, उसी तरह रिसर्च की एक बुक आती है आपके एस पी गुप्ता की, ठीक है, एस पी गुप्ता की भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो ये आपके हो गए एम एड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए किताबें, ठीक है। और अब बात करें कि एम एड के पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं, तो चेंज यह हुआ है कि एम एड फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपका 5 पेपर होता है, ठीक है, उस तरह आपका 5 पेपर इसमें भी है। सबसे पहला आपका मनोविज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा शिक्षा का क्या है शैक्षिक अध्ययन है, और चौथा है शिक्षा का समाजशास्त्र, और पाँचवा है रिसर्च वाला। ये 5 पेपर पहले भी थे, आज भी हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपका 5 पेपर है, वो भी अभी भी है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका 50 नंबर का होता है, आपका सिनॉप्सिस बनता है, वो अभी भी वही चीज़ है। अब बदलाव हुआ है थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते थे पहले, ठीक, और एक आपका 100 नंबर होता था प्रैक्टिकल, जबकि अब क्या है आपके 5 पेपर होंगे, वो प्रैक्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और एम एड फोर्थ सेमेस्टर में जैसे पहले था डिसर्टेशन बनाना था, उस तरह आज भी है, 4 पेपर होंगे और आपको डिसर्टेशन बनाना है। तो यही बदलाव हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, अब प्रैक्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी अपने अन्य एम एड के साथियों में इसे प्रसारित करने का कष्ट करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं 30 मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।